मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली जा सकते हैं और आज दोपहर में देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने की संभावना भी है। दिल्ली में आलाकमान के कई नेताओं के साथ मुलाकात करने की उम्मीद जताई जा रही है और इस्तीफे की पेशकश को लेकर दिल्ली के नेताओं से ये पूरी चर्चा हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही इस्तीफा पेश किया था और इसकी पेशकश करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन किया था कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार से मुक्त करने की बात यहां पर उनकी ओर से कही गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार उनको यहां पर मनाया जा रहा है और मनाने की कवायद अब भी लगातार चल रही है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके पास जाएंगे, उनको मनाएंगे ताकि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें, क्योंकि उनका इस्तीफा अब भी स्वीकारा गया नहीं है और ऐसे में दिल्ली भी उनका आना होगा। दिल्ली आज वो आ सकते हैं और दिल्ली आने के बाद भी हो सकता है इस पर चर्चा पूरी हो। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, कितने बजे दिल्ली पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो है और क्या इस्तीफे को लेकर ही पूरी चर्चा होनी है दिल्ली में? देखिए, जाहिर तौर पर कल जो देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था उसमें साफ तौर उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व को मैंने विनती की है कि वो मुझे महाराष्ट्र सरकार से मुक्त करे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और क्योंकि वो पार्टी और संगठन के लिए काम करना चाहते हैं इसलिए बाकायदा उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। और इसी मुद्दे को लेकर आज वो महाराष्ट्र से सीधा दिल्ली जाएंगे। दोपहर तक दिल्ली जाने की संभावना है, वो दोपहर तक दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेताओं से वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और इसी इस्तीफे की पेशकश को लेकर, क्योंकि उनके मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन इसी इस्तीफे की पेशकश को लेकर वो दिल्ली में नेताओं से चर्चा करेंगे और आला कमान जो भी आदेश उनको देगा, उन्होंने कहा है जो भी आदेश उनको देगा, अगर वो महाराष्ट्र सरकार में उनको रखना चाहते हैं तो जरूर रहेंगे, लेकिन अगर मुक्त करना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करने, जो भी आदेश रहेगा आला कमान का उसको मानेंगे और उस चर्चा के बाद वापस मुंबई लौटेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्योंकि आप देखिए आगामी विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर हैं, तो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उस पर पूरा फोकस कर पाएंगे, लेकिन अगर वो इस्तीफा यहाँ पर देंगे तो उसका सीधा सीधा असर जो गृह मंत्री का पद उनके पास है महाराष्ट्र में उस पर भी पड़ेगा, तो उसको लेकर भी हलचल हो सकती है। देखिए, जाहिर तौर पर और खुद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वो भी देवेंद्र फडणवीस से आज मुलाकात करने वाले हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। उनको मनाने की कोशिश जारी है क्योंकि वो सरकार की एक अहम कड़ी है और खुद जब सरकार बन रही थी उस वक्त भी जेपी नड्डा ने उन्हें कहा था कि उन्हें सरकार में शामिल होना चाहिए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस बाकायदा सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र में बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई है, 23 सीटों से 9 सीटों पर आ गई है बीजेपी, तो ऐसे में वो उसके हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो अब पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 2 से 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जो लोकसभा चुनाव में क्षति हुई है उसकी भरपाई जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन किया है। लेकिन अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार में बने रहने देना है या फिर उनको वहां से उनको मुक्त करके पार्टी के कामों में लगाना है ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सके। यहां पर रोकना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें।